बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मोहम्मद मुबारक वसल्लम। रिस्टोर योर हेल्थ विद होम्योपैथी की एक नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर इरफान भट्टी। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो ये है एकोनाइट। एकोनाइट होम्योपैथी की पहली दवा समझी जाती है। होम्योपैथिक दवा, इस दवा का जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो इसका पेशेंट बहुत डरा हुआ खौफज़दा रहता है। डर और खौफ अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आज के माशरे में फैली हुई सबसे बड़ी बीमारी है। कोई कितना भी ज़्यादा बाहर से आपको मुतमईन और बहादुर नज़र आएगा तो वो किसी ना किसी डर और खौफ में मुबतला होता है। होम्योपैथिक मेडिसन एकोनाइट एक ऐसी मेडिसन है जो आपको खौफ से निजात दिलाती है, चाहे वो किसी भी किस्म का खौफ हो। और एकोनाइट की एक सबसे बड़ी सिम्टम ये होती है कि किसी भी एक्यूट डिजीज़ में अगर इसको पहले 12 घंटों में अगर आप इसकी चंद डोजेस दे दें तो वो एक्यूट डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एकोनाइट को बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बुखार में किया जा सकता है, जैसे कमर दर्द में किया जा सकता है, जैसे गर्दन के मोहरों में खिंचाव में को इस्तेमाल किया जाता है। एकोनाइट एक बहुत बड़ी मेडिसन है और आज के माशरे में जहाँ डर खौफ पस हिम्मती परेशानी बहुत ज़्यादा है, इस मेडिसन से कमा काहू फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसी किसी बीमारी में मुबतला हैं तो एकोनाइट यूज़ करने से पहले किसी अच्छी होम्योपैथ से इस बारे में मशवरा कर लीजिए ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।